दिल्ली के जंतर मंतर पर दिन भर पुलिस और प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के बीच दंगल का दौर चला। नए संसद भवन के सामने महिला महापंचायत करने पर अड़े पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। पहलवानों को हिरासत में लेने के साथ ही दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर के पास धरना प्रदर्शन के लिए बनाए गए तंबू टेंट को भी हटवा दिया है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अब पहलवानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन इन कयासों के बीच महिला पहलवान साक्षी मलिक ने हुंकार भरी है। चोटी की कुश्ती खिलाड़ी महिला पहलवान साक्षी मलिक ने ट्वीट कर कहा, हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, पुलिस हिरासत से छूटकर हम वापस जंतर मंतर पर अपना सत्याग्रह शुरू करेंगे। इस देश में अब तानाशाही नहीं बल्कि महिला पहलवानों का सत्याग्रह चलेगा। साक्षी मलिक उन पहलवानों में शामिल है जिन्हें दिल्ली पुलिस ने रविवार के प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया था। साक्षी मलिक के अलावा विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया समेत कई अन्य पहलवानों को भी हिरासत में ले लिया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई पहलवानों को हिरासत में लेने के बाद उन्हें बुरारी स्थित एक निजी फार्म हाउस में रखा गया। इस फार्म हाउस को पुलिस ने अस्थायी जेल के रूप में तब्दील किया था। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि पहलवानों को नए संसद भवन की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, बावजूद इसके उन्होंने कानून का उल्लंघन किया और बैरिकेड तोड़ नए संसद भवन तक जाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच धक्का मुक्की की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। हिरासत में लिए जाने के बाद पहलवान विनेश ने कहा कि उन्हें न्याय मांगने की सजा मिल रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी आजाद घूम रहा है, उसे सरकार पनाह दे रही है और देश के लिए पदक जीतने वाले हम खिलाड़ियों को देश की बेटियों के लिए न्याय मांगने के लिए अब जेल में डाला जा रहा है। बता दें कि पहलवान पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इन पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर कुछ नाबालिग महिला पहलवानों के यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। पहलवान बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है और नाबालिग महिला पहलवानों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते रहे हैं।